ये देख सकते हैं बहुत आराम से चल जाता है। फैन का तार है, ये कनेक्ट है, पावर इन्वर्टर से चल रहा है, ये फायदा होता है इस पावर इन्वर्टर का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर को और वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट एसी, ठीक है, बिल्कुल सटीक वोल्टेज आ रही है। देखिए आसपास कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा। बैटरी है जिससे दो वायर कनेक्ट है इन्वर्टर की, पावर इन्वर्टर की, इसको तो पावर इन्वर्टर ही बोलना पड़ेगा। पावर इन्वर्टर कनेक्ट है और पावर इन्वर्टर से कनेक्ट है डिजिटल मल्टीमीटर के वायर जो कि वोल्टेज दिखा रहे हैं 220 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टर में देख सकते हैं, इस इन्वर्टर की खासियत ये है इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता, इस वजह से ये बहुत हल्का होता है, ठीक है, बहुत हल्का होता है। ये देखिए, और ये इन्वर्टर है, पावर इन्वर्टर, ये फ्रिक्वेंसी बेस होता है बेसिकली, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ही समझेंगे। और इसमें यहाँ फैन चल रहा है जिसकी आपको नॉइस आ रही होगी प्रॉपर, नहीं तो सुन लीजिए। ठीक है, अब इसको इसका पूरा कंप्लीट रिव्यू मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिलहाल इस वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पावर इन्वर्टर है। इसको किसी भी कार की बैटरी, बाइक की बैटरी, 12 वोल्ट की किसी बैटरी चला सकते हैं हम इसको, बाइक की बैटरी से 300 वाट तक लिखा है और कोशिश करेंगे कि ये 200 वाट के अंदर रहे, लेकिन 300 वाट तक भी चला जाएगा, लेकिन हम कम से कम लोड 200 का ही बहुत रहेगा, एक फैन चला सकते हैं आराम से, सीलिंग फैन। बात करें CFL की या कुछ LED बल्ब की चलाने की या फोन चार्जिंग की, ये देख सकते हैं बहुत आराम से चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, और यहाँ पर दो लाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर दो लाइट है, एक पे लिखा हुआ फॉल्ट और दूसरे पे नीचे लिखा हुआ है पावर, ये देख सकते हैं रेड और ग्रीन। तो इसको पहले ऑफ करते हैं, अब हम इसको ऑन करेंगे तो आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए फॉल्ट की लाइट जलती है, फिर ये पावर की लाइट जल जाती है, इन्वर्टर ऑन हो जाता है। फैन की थोड़ी सी साउंड आपको इरिटेट कर सकती है, मगर इन्वर्टर बढ़िया है। अभी कुछ इस पर चला करके हम देखते हैं, ये अभी आप लोग देखिए, ठीक है, बैटरी, पावर इन्वर्टर, उसके साथ 150 वाट से ऊपर का टेबल फैन है जो काफी पुराना है, 150 वाट से ऊपर ही कंज्यूम करता है। चलाएंगे सीधे पावर इन्वर्टर के थ्रू, टेस्टिंग हो जाएगी कि इंडक्टिव लोड सपोर्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने, जब आसपास कोई तीसरा वायर नहीं है तो ये फैन इन्वर्टर से ही चल रहा है, ठीक है। नीचे इसके कुछ भी अलग से कोई तार नहीं है, फैन का तार है, ये कनेक्ट है, पावर इन्वर्टर से चल रहा है, ये फायदा होता है इस पावर इन्वर्टर का। ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए फुल RPM पे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि RPM में कोई लॉस या कुछ, ठीक है। और हमने ऑफ कर दिया और इन्वर्टर भी हमारा बढ़िया से ठंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, और तो इस पर डिटेल वीडियो मैं भी बनाने वाला हूँ इस इन्वर्टर पर, वो जरूर से आप देखिएगा, कुछ टाइम में मिल जाएगी आपको चैनल पर देखने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, थैंक यू।